हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले हम थ्योरम 10.1। काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ जाती है। तो हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, उसी की थ्योरम 10.1 है। और हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था एक्सरसाइज 10.1 की टेंजेंट क्या होती है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। तो इसी पर बेस ये थ्योरम है, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है इसमें कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, सेंटर है ओ, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल के किसी पॉइंट, सपोज ये एक पॉइंट है पी, या कुछ भी मान सकते हैं, यहां से एक टेंजेंट है, ठीक है। सपोज ये ए और बी एक टेंजेंट हो गई, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वही था जहां टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी जो रेडियस होगी और रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये इस पे परपेंडिकुलर होती है। यानी ये दोनों रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर आकर मिलती है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक फंडामेंटल चीज सीख लेते हैं हम। मान लीजिए दो लाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है। और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है। ये लाइन हम ऐसे कर लेते हैं, ये पॉइंट है कोई। तो इस पॉइंट से जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सपोज अगर हम इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मेजर करना चाहें तो आप कैसे मेजर करेंगे? क्या आप स्केल को ऐसे रखेंगे कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी? हम कह रहे हैं कि इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, इन दोनों लाइन की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप बिल्कुल एक परपेंडिकुलर जो ये वाली डिस्टेंस होगी इसको मेजर करेंगे, तभी बताएंगे कि इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट से इन दोनों की ये होगी, कितनी भी आ सकती है, ठीक है। और ऐसे तो नहीं होगा कि आप इसको मेजर करेंगे या इसको मेजर करेंगे इस पॉइंट से। अगर आप किसी कमरे की किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से दूसरी तरफ एंटर करेंगे, आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इसी फंडामेंटल पर ये थ्योरम बेस है, ठीक है। यहां से हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए तीन स्टेप होंगे हमारे। फर्स्ट होगा गिवन, गिवन में क्या क्या है आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ना भी लिखकर एक साथ एक थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में है कि ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। और पॉइंट पी कहाँ है? एट सर्कल विद रेडियस ओ, विद रेडियस ओपी, ठीक है। ये वो कह सकते हैं, और सेंटर इसका ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है। और दूसरा ए बी, समझ में आ गया, ए बी एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पर? पी पर है, सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारा पी और रेडियस ओपी है। टू प्रूव, प्रूव में हमें क्या करना है, हम लिखते हैं प्रूव में जो हमें प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ओपी परपेंडिकुलर ए बी, या ए बी परपेंडिकुलर ओपी, या ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। यस, इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी। अगर कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं, अदरवाइज हम प्रूफ पर चलते हैं सीधा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, सपोज एक हम पॉइंट ए बी पर कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, कहीं भी ले सकते हैं, इधर इधर कहीं भी एक्सेप्ट पी, पी को छोड़कर कोई भी एक अदर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहां ये लिख देते हैं कि वी टेक अ पॉइंट क्यू एट ए बी, ए बी पर कोई पॉइंट लिया, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ टू क्यू, ज्वाइन ओ टू क्यों, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पॉइंट क्यू जो होगा वो सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, यानी आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। जो हमने पॉइंट क्यू लिया है, देखने में तो ये क्यू लग रहा है कि बाहर ही है, और वास्तव में ये बाहर ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट जो है उसके सभी पॉइंट सर्कल से बाहर होते हैं एक्सेप्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़कर जो कि पी है, पी उसी सर्कल पर होता है। अगर क्यू अंदर होता मान लो,
तो वो जो लाइन थी ए बी वो एक टेंजेंट ना होकर सीकेंट हो जाती, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसमें प्रूफ में हमें लिखना है कि क्यों एक पॉइंट है आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, यही लिख देंगे, क्यों इज अ पॉइंट एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल एट ए बी टेंजेंट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसमें कि क्यों एक पॉइंट है एक्सटर्नल। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गौर करिए, जब कोई पॉइंट इस सर्कल से बाहर होगा तो सेंटर से जब हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो बताइए कि क्या ये जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो बड़ी होगी रेडियस से या नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां है क्यू, रफली एक एग्जांपल करते हैं, तो क्या होगा, रेडियस तो ये होगी और ये पॉइंट क्यू अगर अंदर है तो ओ क्यू नेचुरल सी बात है ये इसकी रेडियस से छोटा हो जाएगा, और अगर ये क्यू पॉइंट बाहर है तो वो उसकी रेडियस से नेचुरल सी बात है ज्यादा हो गया, है ना, आप ये देख सकते हैं यहां पर। तो यही इसी को समझाने के लिए ये पॉइंट हमने लिखा है कि क्यों एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट है, वो सर्कल के एक्सटर्नल है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वो आउटसाइड क्यों है, जैसे हमने रीजन बता दिया कि वो क्यों अगर इनसाइड होगा तो ए बी इफ, ये लिख सकते हैं, चलिए लिखा देते हैं, क्यों इफ क्यू इज इंटरनल ऑफ द सर्कल देन ए बी विल बी सीकेंट, ठीक है, ए बी सीकेंट हो जाएगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी, क्लियर यहां तक। अब therefore, देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा लिखना होगा, थ्योरम थ्योरी के हिसाब से लिखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई कैलकुलेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अब इस सो जब वो आउटसाइड हो गया वो पॉइंट क्यू, तो क्या कहेंगे हम कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन, ये जो ओ क्यू होगी इज ग्रेटर देन किससे होगी, ओपी से, ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि ओपी इज लेस देन ओक्यू, भाई ओपी तो छोटी है ओक्यू बड़ी है, तो हमने पहले इसे लिख दिया ओपी लेस देन ओक्यू, है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स एट ए बी, ए बी पर मान लीजिए आप जितने भी पॉइंट लेते हैं ए बी पर, यहां 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 कहीं भी ले सकते हैं, आप किसी को भी ज्वाइन करें तो ये सभी लाइन ओपी से बड़ी होंगी या नहीं होंगी, नेचुरल सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि जब सभी बड़ी है तो ओपी इनमें शॉर्टेस्ट होगी, सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, सेंटर से होंगी या नहीं, सबसे छोटी होगी, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। जैसे हमने बताया था कि अगर दो लाइन है और किसी पॉइंट से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी दूसरे लाइन पर, क्लियर है, तो यहाँ यही थ्योरम हमारी एंड हो जाती है, बात आई समझ में, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं इस थ्योरम में, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी, ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज।